महाराष्ट्र का संसदीय क्षेत्र था, वहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, वहीं से एक जवान भी चुनाव लड़ रहा था, तेज बहादुर जिसका नाम था। तेज बहादुर जी वाराणसी से जब ये चुनाव लड़ने गए तो इनका एक बार पर्चा सबमिट कर लिया जाता, उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन से इनको टिकट दे दिया जाता तो इनका पर्चा निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद एबीपी न्यूज़ द्वारा स्टिंग ऑपरेशन भी किया जाता है, जिससे खुलासा होता है कि जानबूझकर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उसके बाद अब तेज बहादुर जी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किए हैं और आज ईवीएम का विरोध जंतर मंतर पर कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे जो इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है क्या है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और वो धन्यवाद आप बनारस से हमारे करें लगे हुए आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप सब की चीज़ें देश को दिखा रहे हैं, जो पूरा मामला हुआ था आपने तो देखा ही था कि किस प्रकार से पर्चा निरस्त किया गया। तो उसमें हमने महाराज की याचिका डाली, उसमें यही कहा गया है कि जिस जो धाराएँ हम मेरे ऊपर लगाई गई पहली बात तो मुझ पर लागू नहीं होती, अगर भी फिर भी चुनाव आयोग नोटिस देता है तो मुझे समय कम दिया गया है। शाम को 6:15 पे कहते हैं आप 11 बजे लेके आइए और वहाँ से कहा जाता है कि आप दिल्ली चुनाव आयोग, जब चुनाव आयोग में हमारे अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के थे नितिन मिश्राम जी, फिर यहाँ 9 बजे पहुँचते हैं दिल्ली चुनाव आयोग में तो उनको घुसने नहीं दिया जाता, उनको कोई जवाब नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे उसके अंदर दिए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा इसके अंदर ये है कि जिनका पर्चा वाकई में खारिज होना था उनका नहीं किया गया, क्योंकि मोदी जी ने अपने नामांकन पर अपने परिवार का कोई ब्यौरा नहीं दिया, जबकि कानून सबके लिए है और वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, ना तो उन्होंने अपनी पत्नी का ब्यौरा दिया, ना अपने घर का कोई इस तरह का डिटेल दिया परिवार की कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनका पैन कार्ड क्या है, इस प्रकार कोई ब्यौरा नहीं दिया। तो क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? अगर भी एक देश के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे तो बाकी नागरिक क्या करेंगे? इस चीज़ को हमने बनाया है और चुनाव आयोग को भी हमने नोटिस दिया है, वहाँ के निर्वाचन अधिकारी सबको भी नोटिस दिया है। इस प्रकार हमने मामला करके हमारी याचिका, हमें बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि हमारे पहले कागज़ पत्र लेने में बहुत समय लगा, हम 1 महीने से पूरा लगे हुए थे। तो रविवार के दिन रजिस्ट्रार ने रीओपन कोर्ट इलाहाबाद करके और जो हमारी याचिका जो दाखिल की हुई है हमारे लिए पहली जीत है, और याचिकाकर्ता मैं खुद हूँ उसके अंदर, और याचिका जो है डाली गई है इलाहाबाद वो भी पूरी हिंदी के अंदर डाली गई है। हमें इस चीज़ का बड़ा है कि वहाँ के स्टाफ ने सभी ने हमारा बड़ा सहयोग किया कि हमारी याचिका तक याचिका आपने जब दाखिल किया, क्या आपके ऊपर कहीं से दबाव और कहीं बन रहा है? नहीं, एक्चुअल में इनको पता ही नहीं लगा, इनको यही नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस हम चुपचाप साइलेंट के अंदर, हमने किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि हम केस डालने जा रहे हैं, वरना शायद ये नहीं डालने जा रहे। तो जब केस डल गया उसके बाद तो दबाव निरंतर आ रहे हैं, जैसे आपने देखा था बनारस में भी बीजेपी के लोग जा के किस प्रकार कर रहे थे, आज भी ये कर रहे हैं। लेकिन ये कितना भी दबाव डाले मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ, जो न्यायालय का फैसला होगा। मैंने तो यहाँ तक अगर भी यहाँ से न्यायालय का फैसला नहीं मिला तो मैं यूएन तक जाऊँगा, मैं यूएनओ तक जाऊँगा इस केस को लेकर, मैं आखिरी दम तक, मेरे साथ अन्याय हुआ है मेरे साथ। आप देश आप तो अभी कुछ कह रहे थे कि अभी आगे आपको ऑफर भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप कई तरह से आरोप लगा रहे हैं कि आपको मंत्री बनाने की बात चल रही है, आपको पैसे का ऑफर मिल रहा है, तो क्या सच्चाई इसमें? तो जब से मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव में उतरा तब से रेगुलर चल रहा है, कभी कहते हैं कि आपको जो है मंत्री पद दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, तमाम चीज़ें आज भी वही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जिस प्रकार देख रहे हो गोवा के अंदर हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी, बंगाल में भी हो रहा है, कि तमाम जो है कांग्रेस के लीडर पैसे से खरीद के ला रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं एक देश का जवान हूँ और एक जवान की जो आप बोली नहीं लगा सकते, आगे कम तक इनसे लड़ता रहूँगा, कितने भी ऑफर दें कुछ भी करें, लेकिन मैं आगे सांस तक जो इनके खिलाफ लड़ता रहूँगा। तेज बहादुर जी, आप जंतर मंतर पर कई बहुत काफ़ी संख्या में लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और जो नेता चुनाव हारे हैं और जो विपक्ष ईवीएम का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में क्या लगता है आप लोग के ईवीएम के विरोध करने से क्या विपक्ष जागेगा, या जो नेशनल लीडर हैं जो चुनाव हारे हैं वो ईवीएम की बात कभी नहीं करते हैं, वो एक जनादेश का सम्मान करते हैं, क्या इस आंदोलन से क्या विपक्ष जागेगा या कुछ इसमें सच्चाई निकल के आएगी? देखिए, कांग्रेस की देन है ये, कांग्रेस मेन पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस की देन है ये, उसने भी अपने समय हेराफेरी किया था, तो हो सकता है कि करके मारे नहीं कर रहा, या उनका समझौता हो कि 5-10 साल आप राज करेंगे, 10 साल हम करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हैं तमाम छोटी छोटी पार्टियाँ हैं और कुछ पार्टियाँ जो नहीं हैं, हमें विश्वास है कि अगर भी हम एक शुरुआत की है, यहाँ एडवोकेट जो भनु प्रताप जी हैं बड़े सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति, इनका पूरा परिवार पूरा खाने में, तो कहता हूँ कि पूरा सिस्टम इनका जो है जिस प्रकार से लग रहे हैं, जितने क्रांतिकारी इनको देख के दूसरे लोग भी जागे, और ये आंदोलन जो पूरे देश में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियाँ एकजुट होंगी, कांग्रेस शायद ना हो,
कोई बात नहीं, लेकिन देश के युवा तो जागरूक हो रहे हैं, इन्हीं के साथ भी जो है मुहिम हमारी चलती रहेगी। आपको समाजवादी पार्टी से वाराणसी से टिकट मिला, लेकिन आप दुर्भाग्य था कि आप चुनाव नहीं लड़ पाए वहाँ से। अभी अब चुनाव जो होने वाला है, इस पर पार्टी क्या तैयारी, अब तो गठबंधन भी युवा का साथ भी छूट गया है, ऐसे में चुनाव को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या तैयारी चलने का? नहीं, अभी तो गए भी बाहर आए हैं और मैं भी कोर्ट के मामले में पड़ा हुआ था, अभी कोर्ट से अभी जो मेरा चंडीगढ़ का सर्विस मैटर का केस है उसके लिए मैं कल जा रहा हूँ, तो इन चीज़ों से फ्री हुआ ही नहीं हूँ, तो मेरी बातचीत हुई नहीं है। जैसे ही बातचीत होगी आगे जो भी कुछ होगा हम आपको, मैं भी इसी मामले में चक्कर काटता हूँ, अभी मेरा जो वोट है उसके मामले में आज ही शाम में मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो उस मामले में अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछेंगे। और पार्टी का जो इसमें इसमें पार्टी बहुत बड़ा चल रहा है, पार्टी की गिनती को गिनती होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ आपकी कहीं से पता चल पा रहा है कि पार्टी में भी आगे क्या होगा, क्या शिवपाल यादव की पार्टी में एंट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं, मैं इन मामलों पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ, किसी ताक धाक में कभी नहीं करता हूँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका फैसला है, मैं क्या कर रहा हूँ वहीं तक सीमित रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपने विचार रखता हूँ, पार्टी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका ही परिवार है, उनकी मर्जी जैसे करें उसकी ना, मुझे इसकी जानकारी लेता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता खुले मन से ईवीएम का विरोध नहीं किया ना, तो बसपा सिर्फ बोलती रही लेकिन मंच से कोई भी ईवीएम का विरोध नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ आम आवाम जो जनता है वही ईवीएम का विरोध करती है, नेता कभी नहीं करता है। आप समाजवादी पार्टी से हैं तो क्या लगता है पार्टी कब विरोध करेगी, कब जाएगी? अब चुनाव आ रहा है, उसके बाद 2022 का चुनाव है, फिर 24 का चुनाव, अगर यही सिलसिला रहा तो अगर ईवीएम वास्तव में ईवीएम हैकिंग है तो कभी सत्ता में कोई नहीं आएगा। नहीं, आप जैसे कह रहे हो तो मैं समाजवादी पार्टी से ही, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सामने घूमे हैं, व्यक्तिगत भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी ने खुद कहा था कि ईवीएम के लिए अगर भी हमें अनशन भी करना पड़े तो करेंगे, उसकी पूरी तैयारी कर रखी है, ऐसा नहीं पूरी ईवीएम का विरोध की पूरी तैयारी कर रखी है। इस कारण से बीजी ने बताइए हार के बाद बहुत सी चीज़ें गठबंधन भी पाया, बहुत सी चीज़ें उपचुनाव आ रहा है, लेकिन ईवीएम के विरोध में हमारी बात पहले भी हुई थी, आज भी कई बार उन्होंने ध्यान भी दिया है कि ईवीएम के ऊपर अगर भी उनको अनशन भी करना पड़े तो वो उसकी भी तैयारी पार्टी साथ ही। फिर बाबू जी का कहना है कि